अभी तक हमने वेक्टर्स का एडिशन कर लिया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर कर लिया। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर करना है। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, कितने टाइप के प्रोडक्ट होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, दो टाइप के प्रोडक्ट हम करते हैं। वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा एक प्रोडक्ट है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जो हम बाद में देखेंगे। सो फिलहाल डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है वो हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे। तो हम दो वेक्टर लेते हैं, लेट ए बार इज इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। ये हमने एक वेक्टर ले लिया ए बार, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं ए वन ए टू ए थ्री, बोथ आर सेम। सिमिलरली एक दूसरा वेक्टर हमने लिया बी बार, बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, इसे हम लिख सकते हैं बी वन बी टू बी थ्री। तो हमने ये कोई भी दो वेक्टर्स लिए हैं ए बार एंड बी बार, इस फॉर्म में लिखिए आई जे के कैप के फॉर्म में या इस फॉर्म में लिखिए, बोथ विल बी सेम प्रोडक्ट, उसी तरह से होगा। नाउ व्हाई दिस इज कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हम दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को बीच में डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार, इसीलिए हम इसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। दूसरा इसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट। सो व्हाई वी कॉल दिस एज स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि अगर हम दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर हमें स्केलर मिलेगा, यानी अदिश, वो वेक्टर नहीं होगा। देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। अगर जो हमने दूसरे प्रोडक्ट की बात की, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आएगा, इसलिए उसका नाम वेक्टर प्रोडक्ट है। यहां पे दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर विल बी अ स्केलर, देयरफॉर दिस इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। तो अब हमें ये देखना है कि हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। तो हमें ए बार और बी बार का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को यहां साथ में लिख देते हैं। सो ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप डॉट, हमने ए बार लिख दिया, इस फॉर्म में लिखिए या इस फॉर्म में लिखिए नो प्रॉब्लम, डॉट बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। तो फिर से हमने दोनों के बीच में डॉट लिखा है, मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस तरह से होगा कि हम दोनों के आई कैप का जो कोएफिशिएंट है, यहां पे ए वन और यहां पे बी वन, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, दैट इज ए वन आई कैप का कोएफिशिएंट, यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट है बी वन, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ए वन इंटू बी वन, आई कैप की जो कोएफिशिएंट है उनका, और यहां पे कोई आई कैप नहीं आएगा। यहां पे हमने ब्रैकेट इसलिए किए हैं ताकि जब आप प्रैक्टिस करो तो यहां पे कोई प्लस या माइनस हो तो कोई मिस्टेक ना हो। देन प्लस, जैसे हमने ये आई कैप के लिए किया था, सिमिलरली फॉर जे कैप, तो यहां जे कैप का कोएफिशिएंट है ए टू, यहां पे जे कैप का कोएफिशिएंट है बी टू, ये हो जाएगा ए टू इंटू बी टू, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे कोई जे कैप नहीं है। प्लस, फिर से प्लस, अब हम के कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो के कैप का कोएफिशिएंट है ए थ्री, यहां पे के कैप का कोएफिशिएंट है बी थ्री,
So A3 into B3. So in this way we can find dot product of two vectors. Friends, ये जो है ये स्केलर है, यहाँ पे कोई i cap j cap k cap नहीं है, यहाँ पे इसे पैर के फॉर्म में भी नहीं लिखा. So this is a scalar, means this will be any digit. तो दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट किया और उसका आंसर हमें स्केलर मिल रहा है. Therefore this is also known as scalar product of two vector. तो ये जो है ये डॉट प्रोडक्ट करने की एक मेथड. दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास एक दूसरी मेथड भी है. सपोज ये वेक्टर है ए बार, दिस इज वेक्टर बी बार, ये ए बार है और ये बी बार है. ए बार और बी बार के बीच का जो एंगल है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज थीटा, theta is angle between A bar and B bar, then we can find dot product of two vector using this method also. So A bar dot B bar is equal to magnitude of A bar, yani A bar jo vector hai uska magnitude, into magnitude of B bar, then cos of this angle, means angle between A bar and B bar, cos theta. So A bar dot B bar is equal to magnitude of A bar into magnitude of B bar cos theta, where theta is the angle between A bar and B bar. ये जो थीटा है वो A bar और B bar के बीच का एंगल. तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट करने की दो मेथड हो गई. एक मेथड हुई A bar dot B bar is equal to A1 B1 plus A2 B2 plus A3 B3. I cap के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन plus J cap के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन plus K cap के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन. This is one method. दूसरी मेथड, अगर हमें दोनों के बीच का एंगल पता है थीटा और वो वेक्टर हमारे पास है, देन ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. तो इन दो मेथड से हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं. फ्रेंड्स, नाउ दिस मेथड, ये जो मेथड है, इस मेथड की हेल्प से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल, तो उन दो वेक्टर्स को हम परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहते हैं. तो वेक्टर परपेंडिकुलर्स है या नहीं वो भी हम इस मेथड से चेक कर सकते हैं. तो वो हम देखते हैं कि हम कैसे एंगल फाइंड आउट करें. तो दो वेक्टर्स के हमने डॉट प्रोडक्ट की दो मेथड देख ली, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, या दूसरी मेथड है डॉट प्रोडक्ट की, मैग्नीट्यूड ऑफ A बार टू मैग्नीट्यूड ऑफ B बार cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन A बार एंड B बार, दिस एंगल. तो इस तरह से हम कर सकते हैं. नाउ वी विल फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, और इसमें हम ये वाली मेथड यूज करेंगे. Now, एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, ए बार और बी बार दो वेक्टर्स हैं, उनके बीच का हमें एंगल फाइंड आउट करना है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. एंगल हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अभी फिलहाल हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से देखते हैं कि एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमने जैसे अभी रिसेंटली देखा कि ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार magnitude of B bar into cos theta, where theta is the angle between A bar and B bar. तो हमें ये theta find out करना है. तो वो कैसे find out करें? तो यहां से हम पहले इस cos theta को subject बना देते हैं.
So from this cos theta is equal to, इसे हम denominator में ले जाते हैं, so a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar. तो यहाँ पे cos theta subject हो गया. अब हम theta find out करना चाहते हैं, so theta will be equal to cos inverse. ये जो थीटा है इसे हमने यहां पे रखा cos को इससे ले जाते हैं, so this will be cos inverse, हमने inverse trigonometric function देखा था friends, so cos inverse a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar. दूसरी चीज कि इस एंगल को हम एक दूसरे नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस थीटा को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ए बार लिखा हमने पहले ब्रैकेट में कॉमा, फिर हमने सिंपली कैप की, बी बार के ऊपर नहीं, सिंपली कैप और यहां पे बी बार. सो दिस नोटेशन इज द एंगल बिटवीन a bar and b bar. So this is equal to theta, अगर हमने theta कहा हुआ है तो cos inverse a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar. तो ये जो formula है वो हमें याद रखनी है angle find out करने के लिए. तो फिर से angle between two vector is denoted by this notation or theta, cos inverse a bar dot b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b. अब इसका क्या मीनिंग है, तो यहां पे कुछ भी आए उसका अगर हम cos इनवर्स ले रहे हैं, दैट मींस कि cos की ये वैल्यू किस एंगल के लिए हो रही है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो वो अगर नोन वैल्यू होगी तो हम लिख देंगे, अगर नोन वैल्यू नहीं है तो हम उसे cos इनवर्स करके ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमें सब वैल्यूज याद नहीं होती, सबके लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, या फिर हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर या उस टाइप का कोई टेबल होना चाहिए. तो अगर नोन वैल्यू जो हमने सिंपली याद रखी हुई है वो वैल्यूज है तो हम cos इनवर्स का आंसर फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज उसे एज इट इज रखेंगे. नाउ a बार डॉट b बार के ऊपर से हमें एक दूसरी चीज करेंगे. नाउ वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट परपेंडिकुलर वेक्टर्स यूजिंग डॉट प्रोडक्ट. तो अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, इफ a bar is perpendicular to b bar, this is the notation of perpendicular. Perpendicular vector means suppose ये एक vector है a bar, ये दूसरा vector है b bar, तो ये दो vectors एक दूसरे को perpendicular है, means इन दोनों के बीच का angle 90 degree है, या उसे हम कहते हैं right angle. तो इन दोनों vectors को हम कहेंगे perpendicular vector. तो this is the notation of perpendicular. So if a bar is perpendicular to b bar, a bar और b bar एक दूसरे को perpendicular है, then theta is equal to obviously pi by 2 or we can say 90 degree. Radian में pi by 2 और degree में 90 degree. Now we know friends, cos pi by 2 is equal to 0. cos 90 या cos pi by 2 0 है, तो in that case a bar dot b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar cos pi by 2. cos pi by 2, अगर ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. Now value of this is 0, so magnitude of a bar magnitude of b bar into 0, so this answer will be 0. So a bar dot b bar is equal to 0. So ye ek property ho gayi that if a bar dot b bar is equal to 0, if a bar dot b bar is equal to 0, cut from this point. If a bar perpendicular to b bar implies a bar dot b bar is equal to 0. अगर a bar
और बी बार परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है देन दोस टू वेक्टर्स विल बी इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है और ये हम नॉन जीरो वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहां पे ए बार और बी बार जीरो वेक्टर्स नहीं है, उन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है इंप्लाइज ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। यानी अगर हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और ऐसा कहा गया है कि प्रूव करिए ये दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, तो हमें सिर्फ क्या करना है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेना है और उसका आंसर जीरो आता है तो हम कह सकते हैं कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं। सिमिलरली अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो ले सकते हैं और उसे हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो फिर से फ्रेंड्स, परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनके बीच का एंगल जो है वो पाई बाय टू या डिग्री में 90 डिग्री, तो कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो होती है, कॉस 90 इज जीरो, तो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू इस डेफिनेशन से मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार कॉस पाई बाय टू बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार और यहां पे वो परपेंडिकुलर है इसलिए पाई बाय टू और कॉस पाई बाय टू की वैल्यू जीरो है इसलिए ये जीरो हो जाएगा। तो इसके ऊपर से हमने ये दो नोट लिखी है जो हमें एग्जाम्पल में या कहीं में भी यूज कर सकते हैं। इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार इंप्लाइज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो, या फिर दूसरी तरह से इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार। इन दोनों को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार डबल इंप्लाइज ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू जीरो। मीन्स अगर ए बार और बी बार परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, या दूसरी तरह से अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच का एंगल राइट एंगल या 90 डिग्री या पाई बाय 2 है। तो हमें फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर हमें परपेंडिकुलर वेक्टर्स प्रूव करना है तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, उसका आंसर जीरो आना चाहिए। अगर परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम उसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो ले सकते हैं और उसे कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, if a bar is equal to minus i cap plus 4j cap plus 5k cap and b bar is equal to 3i cap plus 4j cap minus 5k cap then find a bar dot b bar and second b bar dot a bar। हमें a bar dot b bar और b bar dot a bar find करना है, तो हम दोनों find करेंगे और देखेंगे कि दोनों के answer में क्या difference है या दोनों same है या what है। So we start with first a bar dot b bar। सबसे पहले हम दोनों वेक्टर्स को साथ में लिख देंगे, सो ए बार इज माइनस आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, पहले हमने ए बार और बी बार को साथ में लिख दिया ताकि कोई मिस्टेक ना हो। अब हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों के आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, यहां पे है माइनस 1 और यहां पे है 3 प्लस, यहां पे कोई आई कैप नहीं आएगा आंसर में फ्रेंड्स, याद रखिए। देन सेम प्रोसेस फॉर जे कैप, तो यहां पे जे कैप का कोएफिशिएंट है 4, यहां पे भी है 4, तो वो हो जाएगा 4 इंटू 4 देन अगेन प्लस, यहां पर भी जे कैप नहीं आएगा जैसे हमने डिफाइन किया है। फिर के कैप, के कैप का कोएफिशिएंट है 5, यहां पे के कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 5, सो 5 इंटू माइनस 5।
अब हम इसे सिंपलीफाई कर देंगे, यहां पर भी k कैप नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, फोर इंटू फोर सिक्सटीन, एंड दिस इज फाइव इंटू माइनस फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव, सो माइनस प्लस माइनस, सो दिस इज माइनस ट्वेंटी फाइव, सो दिस इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस ट्वेंटी फाइव, दैट इज माइनस ट्वेंटी एट प्लस सिक्सटीन, सो दिस इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व. So answer of A bar dot B bar is equal to minus 12. Similarly, we have to find B bar dot A bar. Friends, जैसे हमने define किया था कि dot product का answer हमेशा scalar आता है, इसीलिए हम उसे scalar product कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए हमने दो vectors का dot product किया और answer क्या है minus 12, which is a scalar, which justifies its name. Also. So next. B bar dot A bar. अब हम B bar को आगे लिख देंगे, so B bar is 3 I cap plus 4 J cap minus 5 K cap dot. अब हम A bar लिखेंगे, so A bar is minus I cap plus 4 J cap plus 5 K cap. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर से सेम मेथड, आई आई के कोएफिशिएंट, जे के और के, सो यहां पे है ये 3 इंटू माइनस 1 प्लस जे का है 4 इंटू 4 प्लस के का है माइनस 5 इंटू 5, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 16, दिस इज माइनस 25, सो प्लस माइनस माइनस 25, so this is equal to minus 3 minus 25, that is minus 28 plus 16, so which is equal to minus 12. So here we can observe the answer of A bar dot B bar is minus 12 and B bar dot A bar is minus 12. So we can say that A bar dot B bar is equal to B bar dot A bar. So this is the general property also. के डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, मीन्स अगर डॉट प्रोडक्ट में हम उसके सीक्वेंस को अगर चेंज करें तो उसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो यहां पे ए बार डॉट बी बार का आंसर है माइनस 12, बी बार डॉट ए बार का आंसर भी माइनस 12 ही है. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. यहां पे हमें ये I cap, J cap, K cap के फॉर्म में दिया, इसकी जगह पे हमें यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है माइनस वन फोर फाइव इन टर्म्स ऑफ पेयर, माइनस वन कॉमा फोर कॉमा फाइव डॉट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं थ्री फोर माइनस फाइव. तो अगर हम इस तरह से भी लिखें तो भी डॉट प्रोडक्ट यही है. तो हमें वेक्टर इस फॉर्म में दिया हो या इस फॉर्म में दिया हो, आंसर विल बी सेम. सो आई होप कि डॉट प्रोडक्ट कैसे करना है वो सभी को क्लियर हो गया है, और डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर आता है ये हमें याद रखना है. एग्जाम्पल ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, शो दैट ए बार एंड बी बार आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो हमने फ्रेंड्स डॉट प्रोडक्ट में देखा, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री या राइट एंगल या पाई बाय 2, तो वो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो यहां पे हमें इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम इनके डॉट प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसका आंसर जीरो आना चाहिए. अगर जीरो आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर. So let's start with that dot product. So A bar dot B bar. A bar लिख देते हैं हम 2 I cap plus 3 J cap minus K cap dot. B bar is 3 I cap minus J cap plus 3 K cap. इन दोनों का dot product कर देते हैं. So I cap का कोएफिशिएंट है 2, यहां पे 3
प्लस जे कैप का कोएफिशिएंट है 3, यहां पर है माइनस 1, के कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 1 और यहां पे है 3. सो दिस इज इक्वल टू 2 इनटू 3 दैट इज 6, 3 इनटू माइनस 1 दैट इज माइनस 3, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3, माइनस 1 इनटू 3 दैट इज माइनस 3, प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3. So this is 6 minus 3 minus 3 is equal to 0. So A bar dot B bar is equal to 0. Therefore we can say A bar and B bar are perpendicular to each other, or we can say A bar is perpendicular to B bar. दोनों का dot product zero आ गया, इसीलिए वो दो vectors एक दूसरे को perpendicular हैं. So in this way we can prove perpendicular vector. हमें दो vector का dot product ले लेना है, उसका answer zero आना चाहिए. अगर zero आ रहा है तो वो perpendicular है, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो वो दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर नहीं है. इसी तरह से अगर हमें कोई वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कही है और ऐसा कहा है कि वो दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, तो हम उन दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को जीरो ले लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है. तो उसकी हेल्प से हम कोई अननोन फाइंड आउट कर सकते. In this example, if A bar and B bar, here A bar is 2i cap plus 3j cap minus k cap, and B bar is equal to xi cap. Here x is unknown. Xi cap minus j cap plus 3k cap are perpendicular to each other, then find the value of x. So, यहाँ पे हमें A bar और B bar एक दूसरे को perpendicular है, ये चीज already दी हुई है. उसे use करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? हियर a बार इज परपेंडिकुलर टू b बार इज गिवन, दिस इज गिवन इन द एग्जांपल दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट देयरफॉर a बार डॉट b बार इज इक्वल टू 0. ये हमें पता है कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा. तो हमने उन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को जीरो लिख दिया. अब हम ए बार डॉट बी बार फाइंड आउट करेंगे और उसे जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा, और उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू ए बार हम लिख देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप डॉट बी बार है एक्स आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू 0. हमें ये 0 साथ में लेके ही चलना है क्योंकि वो इक्वेशन है, वो हमने यहां पे जो यूज किया है और उसकी हेल्प से हम एक्सपेंड करेंगे. सो देयरफॉर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, आई कैप का कोएफिशिएंट है 2, यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट है एक्स, तो हम एक्स लिखेंगे यहां पे, प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 3, यहां पे है माइनस 1, प्लस k कैप का कोएफिशिएंट है माइनस 1 और यहां पे है 3. सो दिस इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2 इनटू x दैट इज 2x, 3 इनटू माइनस 1 सो माइनस 3 और यहां पे प्लस है तो प्लस माइनस 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 3, दिस इज माइनस 3 और यहां पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. ये एक इक्वेशन मिल गया हमें. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 6, ये माइनस 6 राइट हैंड साइड पे चला गया तो प्लस 6 हो गया. देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 बाय 2 दैट इज x इज इक्वल टू 3 व्हिच इज द आंसर. तो यहां पे a बार और b बार एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो x की वैल्यू 3 होगी. इसे हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं?
एग्जाम में ये करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ चेक करने का हमारा आंसर सही है या नहीं। तो यहां पे हम a बार डॉट b बार कर दें, x की वैल्यू हम 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उनका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 इनटू x, x की वैल्यू हमें 3 मिली, सो 2 इनटू 3 प्लस 3 इनटू j का कोएफिशिएंट है -1 प्लस -1 इनटू 3, सो दिस इज इक्वल टू 6 3 by into minus 1 minus 3 plus है, तो minus 3 plus minus minus 3 plus minus minus, so 6 minus 6 which is equal to 0, तो दोनों का dot product 0 है, means ये दो vector एक दूसरे को perpendicular हो गए, that means our answer, हमने जो x की value 3 find out की है, that is correct, वो यहाँ पे verify होगी। exam में ये verification करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको check करना है अगर आपका आंसर सही है या नहीं, तो आप उस वैल्यू को वहां पे सब्स्टिट्यूट करिए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर 0 आना चाहिए, तो 0 आ जाएगा अगर आपका आंसर सही है, अदरवाइज नहीं आ रहा है तो यहां पे कुछ मिस्टेक है, आप फिर से चेक करिए और फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल किया उसी टाइप का है, थोड़ा सा चेंज। If x bar is equal to this and y bar is equal to this, दो वेक्टर दिए हुए हैं, यहाँ पे नाम x bar और y bar है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, a bar, b bar, c bar या कोई भी नाम, तो x bar और y bar दिया हुआ है, then prove that x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other, तो यहाँ पे x bar और y bar के perpendicular की बात नहीं चल रही, यहाँ पे x bar plus y bar and x bar minus y bar perpendicular है, हमें ऐसा prove करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x bar plus y bar find करेंगे, फिर x bar minus y bar find करेंगे, और फिर उन दो vectors को हमें perpendicular बताना है, तो उसका dot product करेंगे, उसका answer 0 आना चाहिए, तो चलिए पहले x bar plus y bar करते हैं, so x bar plus y bar is equal to I cap minus 2 J cap plus 3 K cap plus Y bar लिखते हैं, minus 2 I cap plus 3 J cap minus K cap, so this is equal to I cap का coefficient है 1, यहाँ पे है minus 2, so 1 plus minus 2 I cap, then plus j cap का कोएफिशिएंट है -2 प्लस यहां पे है 3 j cap, देन प्लस k cap का कोएफिशिएंट है 3 प्लस यहां पे है -1 k cap, तो हमने इसका एडिशन किया, इसका सिंपलीफिकेशन कर देते हैं, सो 1 प्लस माइनस माइनस, सो 1 माइनस 2 इज -1, तो हम यहां माइनस I cap लिख देते हैं, हम 1 नहीं लिखते हैं, minus 2 plus 3 that is 1 j cap, यहाँ पे plus है तो plus j cap, फिर 3 plus minus minus, so 3 minus 1 that is 2, so plus 2 k cap, तो ये हमें मिल गया x bar plus y bar, similarly हम x bar minus y bar करते हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को perpendicular बताना है, तो हमने x bar plus y bar find out कर लिया, अब हम x bar minus y bar find out करेंगे, तो पहले दोनों को लिख देते हैं, so i cap minus 2 j cap plus 3 k cap minus y bar लिखे, तो minus 2 i cap plus 3 j cap माइनस k cap, अभी हमें सबट्रैक्शन करना है, तो फिर से 1 माइनस, क्योंकि हमें सबट्रैक्शन करना है, दिस इज माइनस 2 i cap, फिर यहां पे तो हम प्लस ही लिखेंगे, प्लस हो या माइनस हो, यहां बीच में हमें माइनस लिखना है, फिर उसका जो भी आंसर है उसके अकॉर्डिंग ये साइन चेंज हो सकती है, तो j cap का कोएफिशिएंट है -2, फिर ये माइनस बिकॉज़ वी आर डूइंग सबट्रैक्शन, फिर यहां पे j cap का कोएफिशिएंट है 3,
j cap, then again plus, यहाँ पे k cap का coefficient है 3, then minus because we are doing subtraction, फिर k cap का coefficient है minus 1 और ये k cap, so this is equal to minus minus plus, so 1 plus 2 is 3, so 3 i cap, minus 2 minus 3 is minus 5, so plus minus 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 5 j cap, 3 minus minus plus, so 3 plus 1 that is 4 k cap, तो ये हमें मिल गया x bar minus y. अब हमें इन दो वेक्टर्स को परपेंडिकुलर बताना है, तो कैसे परपेंडिकुलर बना सकते हैं, अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, मींस वो दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं x bar plus y bar dot x bar minus y bar, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो x bar plus y bar का आंसर हमें ये मिला है, so minus i cap plus j cap plus 2 k cap, this is our x bar plus y bar dot x bar minus y bar लिखते हैं, so x bar minus y bar is 3 i cap minus 5 j cap plus 4 k cap, अब हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, so डॉट प्रोडक्ट में भी यहाँ पे i cap का कोएफिशिएंट है minus 1, यहाँ पे है 3 plus j cap का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पे है minus 5, then plus यहाँ पे है 2 और यहाँ पे k cap का कोएफिशिएंट है 4, फिर से अगर हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं इसलिए i cap j cap k cap यहाँ कहीं पर नहीं आएगा, so this is equal to minus 3 plus 1 into minus 5 that is minus 5, then this is 8, so minus 8 plus minus minus plus 8, so this is equal to 0, so since x bar plus y bar dot x bar minus y bar is equal to 0, therefore what we can say, x bar plus y bar and x bar minus y bar are perpendicular to each other, या उसे हम नोटेशन में लिख सकते हैं x bar plus y bar is perpendicular, this is the notation of perpendicular, x bar minus y bar, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो ऐसे कभी भी हमें कोई दो वेक्टर्स को, कोई भी दो वेक्टर्स उन्हें अगर परपेंडिकुलर बताना है तो हम उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और उनका आंसर क्या आना चाहिए, 0, तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर्स हो जाएंगे. नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये एग्जाम पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं. सो फाइंड एंगल बिटवीन a बार i cap plus 2 j cap plus 3 k cap एंड b बार इज इक्वल टू minus 2 i cap plus 3 j cap plus k cap. यहां पर हमें a बार और b बार दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसी एग्जांपल को फाइंड एंगल बिटवीन 1 2 3 मींस सेम, या फिर b बार को यहां पे लिखा, अगर ये दिया होता है तो यहां पे वेक्टर्स का नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उनके नाम ले लेंगे, लाइक a बार इज इक्वल टू दिस एंड b बार इज इक्वल टू दिस, देन प्रोसेस विल बी सेम. तो फ्रेंड्स, एंगल फाइंड करने की जो फॉर्मूला हमने देखी थी, एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज, उसे हम डिनोट करते हैं a बार कॉमा सिंपली ए बी बार, या फिर थीटा अगर हम इसे लिखें, सो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, ये उसकी फॉर्मूला है जो हमने डॉट प्रोडक्ट में लर्न की. अब इसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमें a बार डॉट b बार यानी उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए,
फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार और मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। तो ये तीन चीजें हम यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं और उन्हें हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए तो पहले हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो। सो ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप डॉट बी बार इज माइनस टू आई कैप प्लस थ्री जे कै प्लस के कै। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप का कोएफिशिएंट है वन, यहां पे है माइनस टू, देन प्लस दिस इज टू, यहां पर है थ्री, देन प्लस के कैप का कोएफिशिएंट है थ्री, यहां पर है वन। सो दिस इज इक्वल टू माइनस टू, टू इंटू थ्री सिक्स प्लस थ्री इंटू वन दैट इज थ्री, सो सिक्स प्लस थ्री नाइन, नाइन माइनस टू दैट इज सेवन। सो ए बार डॉट बी बार का आंसर हमें यहां पे मिला है सेवन। सिमिलरली हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार फाइंड आउट करते हैं। सो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका एडिशन। तो ए बार है हमारा आई कैप टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, सो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस फोर प्लस नाइन, सो दिस इज रूट 14। सो ए बार जो है वो हमें मिल गया रूट 14। सिमिलरली वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार फिर से उसी तरह से स्क्वायर रूट के अंदर सभी कोएफिशिएंट का स्क्वायर उसका एडिशन। सो माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस के कैप का कोएफिशिएंट है वन, देयरफॉर वन का स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू फोर माइनस टू का स्क्वायर प्लस नाइन प्लस वन, सो दिस इज अगेन रूट 14। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज इक्वल टू रूट 14। तो हमने फॉर्मूला में हमें जो चीजें चाहिए, सपोज इसे हम देते हैं नंबर वन, इसे दे देते हैं टू, इसे दे देते हैं थ्री, इसे देते हैं फोर। तो फॉर्मूला में, फॉर्मूला नंबर वन में हमें जो चीजें चाहिए थी ए बार डॉट बी बार वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार वो हमने यहां पे फाइंड आउट कर लिया थ्री में, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये तीनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज नोटेशन में थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार। ये जो हमने वन लिखा था वो हमने फिर से लिखा, अब सब वैल्यूज हम यहां रख देते हैं। सो कॉस इनवर्स ए बार डॉट बी बार है इस टू से सेवन, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इज रूट 14, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इज ऑल्सो रूट 14, सो दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स सेवन अपॉन रूट 14 इंटू रूट 14, सो दैट इज 14। So this is equal to cos inverse 1 by 2. Cos inverse 1 by 2. Now friend, cos inverse 1 by 2 का क्या meaning है? So cos inverse 1 by 2 का ये meaning है कि cos की value 1 by 2 किस angle के लिए हो रही है। तो हमें पता है cos
pi by 3 या 60 degree is 1 by 2, तो इसका आंसर आ जाएगा pi by 3. So this is equal to pi by 3. So a bar, b bar और theta is equal to pi by 3. This is the answer. So angle between a bar and b bar is pi by 3. This is our answer. यहां पर फ्रेंड्स याद रखिए कि 1 by 2 is a known value. So therefore cos inverse 1 by 2 के लिए हमने pi by 3 लिखा क्योंकि हमें पता है कि cos के pi by 3 एंगल के लिए 1 by 2. लेकिन सपोज यहां पे कुछ और हो, सपोज हो यहां पे 10 by 15. तो उसकी अगर वैल्यू हमें पता है तो हम लिखेंगे, अदरवाइज वी विल लेफ्ट इट एज इट इज, बिकॉज़ हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर अलाउड नहीं है तो हम फिर किसी भी वैल्यू के लिए कॉस इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते. अगर वो नोन वैल्यू है उसके लिए हमें वो वैल्यू याद है या किसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं तो हम वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज वी विल लीव इट एज इट इज, कॉस इनवर्स करके ही हम वहां पर छोड़ देंगे. तो इस तरह से हम दो वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए एक मेथड है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, दूसरी मेथड है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. वो हम क्रॉस प्रोडक्ट समझने के बाद करेंगे. सो आई होप फ्रेंड कि ये सभी टॉपिक, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उनका डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो वो वेक्टर्स कैसे होते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल यूजिंग डॉट प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो गई होगी. सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, ए बार डॉट ए बार इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. अगर हम a बार का a बार के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो हमेशा जीरो या जीरो से ज्यादा ही होगा फॉर एनी वेक्टर a बार. अगर a बार जीरो वेक्टर है तो जीरो बार डॉट जीरो बार विल बी जीरो, अदरवाइज इट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. नेक्स्ट, इफ a बार डॉट a बार इज इक्वल टू जीरो, अगर a बार का a बार के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, implies that vector itself is zero, यानी जो vector है ये बार वो zero होगा. Similarly, अगर वो vector zero है तो उसका उसी vector के साथ में dot product जो होगा वो zero हो जाएगा. Next है a bar dot a bar is equal to magnitude of a bar और उसका square. इसे अगर हमें समझना है तो let a bar is equal to a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap दिया हमने. अगर हम a bar का a bar के साथ में ही dot product करें, that is a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap dot, फिर से एक बार लिखें, a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, इन दोनों का dot product करें, तो a1 into a1 that is a1 square plus a2 into a2 that is a2 square plus a3 into a3 that is a3 square. तो फ्रेंड a bar dot a bar का आंसर हमें ये मिला. अब हमें पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a bar क्या होता है, रूट ऑफ a1 square plus a2 square plus a3 square. This is magnitude of a bar. तो अगर हम इसका स्क्वायर करें a बार के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सो दिस विल बी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो यहां a बार और a बार क्या मिला हमें, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर. तो ये प्रॉपर्टी हमारी यहां पे प्रूव होती है, a बार डॉट a बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार का स्क्वायर. सिमिलरली b बार डॉट b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार का स्क्वायर, c बार डॉट c बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ c बार का स्क्वायर, x बार डॉट x बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ x बार का स्क्वायर. तो ये हमें यहां पे वेरीफाई करना है. सिमिलरली नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव लॉ, जो हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल में लिया था.
a bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. यानी यहाँ पे अगर हम इसका जो sequence है वो change करें तो उसके answer में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. So this is commutative law for dot product or scalar product. A bar dot b bar is equal to b bar dot a bar. Next है a bar dot b bar plus c bar. इसे हम distributive law भी कह सकते हैं. तो a bar dot यहाँ पे dot है और इन दो vectors के बीच में addition plus. तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? A bar dot b bar then plus a bar dot c bar. तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या विभाजन का नियम भी बोलते हैं. नेक्स्ट अल्फा बिलोंग्स टू आर. अल्फा कोई भी स्केलर है. सो ए बार डॉट अल्फा बी बार यानी हमने वेक्टर बी को किसी अल्फा से मल्टीप्लाई किया है. दिस विल बी सेम एज अगर इस अल्फा को हम आगे ए बार के साथ में लिखें मींस अल्फा ए बार डॉट बी बार या फिर अल्फा को हम बाहर रखें ए बार डॉट बी बार करें और फिर उसे अल्फा से मल्टीप्लाई करें मींस दिस विल बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर क्योंकि अल्फा स्केलर है. तो इन तीनों का आंसर हमें सेम मिलेगा. नेक्स्ट आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1. कैसे? आई कैप सपोज एक वेक्टर है. आई कैप ये दूसरा वेक्टर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई कैप का कोएफिशिएंट है 1. यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट है 1. सो 1 * 1 इज 1. बाकी के सब 0 है. सिमिलरली यहां जे कैप के लिए ये एक वेक्टर है ये दूसरा वेक्टर है दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है तो आई कैप का कोएफिशिएंट है 0. यहां पे आई कैप का कोएफिशिएंट है 0 तो 0 * 0 0. जे कैप का कोएफिशिएंट है 1. यहां पे जे कैप का कोएफिशिएंट है 1. सो 1 * 1 1 प्लस सिमिलरली के कैप के लिए 0 तो 0 प्लस 1 प्लस 0 दैट इज 1. यहां पे के कैप है तो दोनों के कोएफिशिएंट 1 1 उनका मल्टीप्लिकेशन 1 और i का 0 j का 0 तो 0 प्लस 0 प्लस 1 सो दिस इज 1. तो याद रखिए i कैप डॉट i कैप इज 1, j कैप डॉट j कैप इज 1, k कैप डॉट k कैप इज 1. नेक्स्ट i कैप डॉट j कैप इज 0. इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें या i कैप का कोएफिशिएंट है 1 ये फर्स्ट वेक्टर ये दूसरा वेक्टर यहां पे i कैप नहीं है मींस उसका कोएफिशिएंट है 0 तो 1 * 0 0 प्लस इस वेक्टर में j कैप नहीं है मींस j कैप का कोएफिशिएंट है 0. यहां पे j कैप का कोएफिशिएंट है 1 सो 0 * 1 0 प्लस यहां पे k कैप नहीं है मींस उसका कोएफिशिएंट 0. यहां पे k कैप नहीं है मींस उसका कोएफिशिएंट 0 सो 0 * 0 0 तो ये दोनों 0 है. और दूसरी तरह से अगर हम इसे समझना चाहे तो i कैप j कैप और k कैप ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है. जैसे हमने थ्री डायमेंशन में देखा था वेक्टर्स के फर्स्ट लेक्चर में सपोज ये i कैप है ये j कैप है ये k कैप तो ये सभी वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है और हमने देखा है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है. तो i कैप डॉट j कैप 0, j कैप डॉट k कैप 0, k cap dot i cap is 0. So I hope friends ki ye properties aapko clear ho gaye.